तो हेलो दोस्तों, आज हमारे पास है इन्फिनिक्स का न्यू लॉन्च स्मार्टफोन इन्फिनिक्स स्मार्ट 8 HD। और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम करने वाले इस स्मार्टफोन के अंदर कंप्लीट चार्जिंग टेस्ट 4% से लेकर 100% तक, और आपको बताने वाले हैं कि आपका जो ये स्मार्टफोन है कंप्लीट चार्ज कितनी टाइमिंग में होता है, कितने समय में होता है। और दोस्तों आपको ये भी बताने वाले हैं कि चार्जिंग के बीच या चार्जिंग के बाद आपको इस स्मार्टफोन में कोई प्रॉब्लम, कोई इशू तो देखने को नहीं मिलता, जैसे कि यहाँ पर जो आपके स्मार्टफोन हीट तो नहीं होता, ऐसी कुछ चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और हमारे न्यू कूल ऑफिशियल टेक चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो स्मार्टफोन है अभी यहाँ पर जो है 5% यहाँ पर जो चार्ज है, 5% से कंप्लीट 100% तक चार्ज करेंगे और आपको टाइमिंग बताएंगे कि आपका जो स्मार्टफोन है कितनी देर में जो यह कंप्लीट चार्ज होता है। यहाँ पर देखिए हमारे पास है दोस्तों 10 वोल्ट का एडेप्टर जो कि आपको इसी के साथ मिलता है, ये इसकी ओरिजिनल डाटा केबल है। और दोस्तों यहाँ पर बात करें इसकी बैटरी के बारे में, तो इस स्मार्टफोन में आपकी जो बैटरी है वो 5000 mAh की बैटरी मिल जाती है, और इसी 5000 mAh की बैटरी को टेस्ट करेंगे कितनी टाइमिंग में यहाँ पर जो है चार्ज होने वाली है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हमने रख के रखी है स्टॉपवॉच इस स्मार्टफोन में, इसमें हमारी जो क्लॉक है स्टॉपवॉच है, इसमें हम स्टॉपवॉच को ऑन कर देंगे और दोस्तों हमारा जो स्मार्टफोन है वो हमारा चार्ज भी जो है यहाँ पर करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले तो यहाँ पर क्या करते हैं, हमारी जो डाटा केबल है यहाँ पर क्या करते हैं, डाटा केबल को अपने एडेप्टर से कनेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए एडेप्टर में कनेक्ट कर देता हूँ और यहाँ पर जो है बोर्ड में लगा देता हूँ अपना एडेप्टर, यहाँ पर मैंने बोर्ड में लगा दिया। और दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, मतलब ये जो स्मार्टफोन के बारे में बताऊँ, ये एक 6000 के अंडर प्राइस का स्मार्टफोन है और इसमें आपको जो टाइप सी पोर्ट देखने को मिलता है और टाइप सी, टाइप ए टू टाइप सी डाटा केबल देखने को मिलती है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। अब दोस्तों यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर जो है हमारी क्लॉक यहाँ पर रख लेते हैं और दोस्तों हमारा जो स्मार्टफोन है उसे चार्ज में लगा देते हैं। मैंने आपको यहाँ पर बता दिया कि हमारा जो स्मार्टफोन है कंप्लीट कितना चार्ज है। यहाँ पर देखिए क्या करते हैं, यहाँ पर हमारी जो डाटा केबल है इसमें लगा देते हैं और आपको बताते हैं। यहाँ पर हमने डाटा केबल लगा दिए, एक और बार मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि हमारा जो स्मार्टफोन देखिए 4% हो चुका है। अब यहाँ पर जो क्या करते हैं, मैं स्विच ऑन कर देता हूँ और आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से रख देता हूँ और यहाँ पर जो जैसे स्विच ऑन करूँगा दोस्तों, यहाँ पर हमारा जो स्टॉप वॉच है उसे भी मैं यहाँ पर जो ऑन कर दूंगा, तो दोनों साथ में कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए स्विच और डाटा के स्विच और स्टॉप वॉच को दोनों को साथ में इनेबल कर देता हूँ। तो ये मैंने करा और दोनों देखिए साथ में इनेबल कर दिया, साथ में ऑन कर दिया। अब हमारा जो स्मार्टफोन है यहाँ पर देखिए चार्ज होना स्टार्ट हो चुका है। तो चलिए देखते कि हमारा जो स्मार्टफोन कितनी टाइमिंग में 10 वोल्ट के चार्जर से 5000 mAh की जो बैटरी है कितनी टाइमिंग में कंप्लीट चार्ज होती है। और दोस्तों हमारी जो वीडियो में बीच में टाइम लैप्स बना दूंगा, क्योंकि दोस्तों हमारी जो वीडियो है ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए थोड़ी टाइम लैप्स कर दूंगा। तो दोस्तों जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं, हमारा जो स्मार्टफोन है यहां पर चार्ज हो रहा है और दोस्तों यहां पर जो 1 मिनट में 5% यहां पर चार्ज हो चुका है, मतलब 1 मिनट में 1% चार्ज हो चुका है। चलिए यहां पर जो अब बैठ करते हैं, मैं टाइमलेस वीडियो बना देता हूं। और दोस्तों एक चीज़ और आपको यहां पर दिखा दूं, जैसे ही आपकी यहां पर जो स्क्रीन की लाइट है यहां पर ऑफ रहती है, मतलब यहां पर देखिए स्क्रीन की लाइट जलाऊंगा तो कुछ नहीं, लेकिन स्क्रीन की लाइट मैं यहां पर ऑफ कर दूंगा तो यहां पर देखिए आपकी जो यहां पर फ्लैश दी रहती है फ्रंट कैमरे के साइड यहाँ पर फ्लैश दी रहती है वो इनेबल हो जाती है। तो ये भी एक जो है इस स्मार्टफोन का काफी अच्छा फीचर है जो आपको इसमें मिलता है। तो दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमारा जो स्मार्टफोन है यहाँ पर 97% हो चुका है। मैं यहाँ पर आपको फुल स्क्रीन में दिखा दूँ, ये देखिए 97% हो चुका है। तो यहाँ पर चलिए और वेट करते हैं, यहाँ पर देखिए 2 घंटे 37 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं और यहाँ पर थोड़ा और वेट करते हैं और देखते हैं कि 3% और जो हमारा स्मार्टफोन बचा है वो और कितनी देर में यहाँ पर जो है होता है। तो चलिए वेट करते हैं और आपको बताते हैं।
तो दोस्तों जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं, यहां पर जो है 2 घंटे 57 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं और दोस्तों यहां पर 10 मिनट से हमारा जो स्मार्टफोन है 99% पर ही यहां पर जो है अटका हुआ है, मतलब काफ़ी ज़्यादा यहां पर जो है लोड ले रहा है दोस्तों 99% से 100% होने में। तो यहां पर देखिए फाइनली यहाँ पर जो है 100% कम्प्लीट हो चुका है, यहाँ पर जो है 100% का आइकन भी यहाँ पर जो है आ चुका है, मतलब चार्जिंग कंप्लीट का जो है आइकन यहाँ पर आ चुका है। तो चलिए डिस्कनेक्ट कर देते हैं सबसे पहले तो चार्जर को। और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पर देखिए 2 घंटे 57 मिनट 18 सेकंड यहाँ पर जो है कंप्लीट हो चुके हैं और हमारा स्मार्टफोन हो चुका है 100%। और दोस्तों बात करें इसकी हीटिंग के बारे में, तो हीटिंग तो दोस्तों यहाँ पर मेरे को मतलब बिल्कुल भी यहाँ पर जो हीटिंग नहीं आई है। और एडेप्टर की हीटिंग के बारे में बात करें तो एडेप्टर हमें जो है हल्का हल्का सा हीट लग रहा है, बाकी स्मार्टफोन जो है हमारा हीट नहीं हुआ है। और दोस्तों यहाँ पर जो है अभी 2 घंटे 57 मिनट हो रहे हैं, हमने इसे जो है 4% से चार्ज किया था, लगभग अगर आप जो है 1% से भी चार्ज करेंगे तो ये जो है आपका 3 घंटे से ज़्यादा ही 3 घंटे 10 मिनट या 3 घंटे 15 मिनट के आसपास का समय लेने वाला है। बाकी आपके पास भी अगर ये स्मार्टफोन है तो आप भी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपका जो ये स्मार्टफोन है कितनी देर में चार्ज होता है।